पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, बीजेपी का पुलिस पर तृणमूल के साथ मिलीभगत का आरोप। टीएमसी ने बीजेपी पर दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया, बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने कहा पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश की। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी की बाइक रैली के दौरान हुई झड़प, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई कार्यकर्ता घायल। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हेरोइन के साथ चार लोग गिरफ्तार, 122 हेरोइन कैप्सूल बरामद। दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार सभी आरोपी अफगानिस्तान के रहने वाले, पेट से मिले 122 हेरोइन के कैप्सूल। लखनऊ के कृष्णानगर में लूट की बड़ी वारदात, बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर लाखों की लूटपाट की। बदमाशों की फायरिंग में एक युवती को भी गोली लगी, गुस्साए कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश की मनाली में दो तेंदुए का आतंक, युवक पर हमला किया, रिहायशी इलाके में घूमता देखा गया था तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर तेंदुए को पकड़ा, जबकि दूसरे का पता नहीं चल पाया। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कई इलाकों में ओले पड़ने का भी अनुमान। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का खतरा, अगले 24 घंटे में कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गांदरबल में एवलांच की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी से बढ़ी ठंड, बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका।